दोस्तों, रोटी कपड़ा और मकान के बाद अगर चौथा जरूरत इंसानों का आज के करंट जनरेशन में कहा जाए कि मोबाइल है तो कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट हम सभी मोबाइल यूज करते हैं और मोबाइल में सबके अपने अपने यूज हैं। कोई मोबाइल इंटरनेट यूज कर रहा है, कोई वीडियो देख रहा है, कोई गेम खेल रहा है, कोई नॉर्मल कॉलिंग ही कर रहा है। लेकिन इन सबको हमको यूज करने के लिए ज़रूरत पड़ती है रिचार्जेस की। तो रिचार्ज क्या है, काफ़ी महंगे भी हैं, लेकिन इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे रिचार्जेस के बारे में बताने वाला हूँ जिसको आप कराएंगे तो आप साल भर में 600 से 900 रुपये और महीने का 50 रुपये से 90 रुपये तक सेव कर सकते हैं। तो थैंक यू, नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया तो। ओके दोस्तों, सबसे पहले उन कस्टमर के बारे में बात करते हैं जो स्मार्टफोन में कोई इंटरनेट यूज़ ज़्यादा करते नहीं हैं। नॉर्मली वो सिर्फ कॉलिंग पर्पज़ के लिए स्मार्टफोन यूज करते हैं, या फिर हम ही कुछ ऐसे स्मार्टफोन रखते हैं जिसमें सिर्फ इनकमिंग और आउटगोइंग के लिए हम उस फ़ोन को चालू रखना चाहते हैं, उस नंबर को चालू रखना चाहते हैं। तो ऐसे में आपको एयरटेल का 155 रुपये का रिचार्ज मिलेगा जो आपको पूरे 28 दिनों के लिए 1 GB डेटा देगा और साथ में इनकमिंग और आउटगोइंग की सुविधा देने वाला है। तो ये उन यूज़र्स के लिए बहुत अच्छा है जो सिर्फ एडिशनल स्मार्टफोन बस इनकमिंग और आउटगोइंग के लिए रखना चाहते हैं। अब बात करते हैं उन रिचार्ज पैक्स की जो ज़्यादातर वाइड ऑडियंस कराती है अपने मोबाइल में। दोस्तों, अगर आप 1 GB वाला पैक कराते हैं 209 रुपये का, जो आपको डेली 1 GB डेटा देता है 21 दिनों के लिए, या फिर आप रिचार्ज कराते हैं 239 रुपये का जो कि आपको 1 GB डेटा देता है पूरे 24 दिनों के लिए, तो ये आपको अगर साल भर अगर आप यही रिचार्ज कंटिन्यूसली कराएंगे तो आपको 3600 रुपये से भी ज़्यादा का कॉस्ट पड़ता है इन दोनों रिचार्जेस में। तो इसके बदले अगर आप एयरटेल का ही 2999 रुपये का रिचार्ज करा लेते हैं तो आपको पूरे 365 दिनों के लिए 2 GB डेटा पर डे मिलने वाला है, और ये उन रिचार्जेस के बजाय आपको 600 रुपये ज़्यादा आपको सेव करके देने वाला है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो अगर आप बारी बारी जो एक एक रिचार्ज कराते हैं उसके बजाय अगर 3000 रुपये का सीधा आप रिचार्ज कराते हैं तो आपको डेली 2 GB डेटा मिलेगा जो आप 1 GB यूज कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आप 600 रुपये यानी कि हर महीने आप 50 रुपये बचा सकते हैं इस रिचार्ज से। तो इसके लिए वीडियो को एक लाइक तो बनता है अगर आप ये रिचार्ज अभी तुरंत कराने की सोच रहे हैं। अब बात करते हैं उन यूज़र की जो डेली 1.5 GB का डेटा पैक रिचार्ज कराते हैं। अगर आप 1.5 GB वाला डेटा पैक रिचार्ज कराते हैं तो आप 299 रुपये का रिचार्ज कराते हैं जो कि आपको 1.5 GB डेटा 28 दिनों के लिए देता है। अगर यही रिचार्ज आप कंटिन्यूसली पूरे एक साल के लिए कराएंगे तो आपको ये 3900 रुपये के आसपास पड़ने वाला है, जो कि काफ़ी महंगा है देखा जाए तो साल भर में। तो इसके बजाय भी आप 2999 रुपये का अगर रिचार्ज करा लेते हैं तो आप 1.5 GB के बजाय 2 GB पर डे का यूज कर पाएंगे और आप 900 रुपये तक बचा पाएंगे, यानी कि आप इसमें और भी ज़्यादा पैसे सेव कर पाएंगे। अप्रोक्सीमेटली 75 रुपये आप इसमें सेव कर पाएंगे हर महीने अगर आप इधर 3000 रुपये का रिचार्ज करा लेंगे। जो थोड़ा हैवी यूज करते हैं, जो एयरटेल में 319 रुपये का रिचार्ज कराते हैं, तो वो यूज़र अगर साल भर यही रिचार्ज कराते हैं तो कुछ 3800 रुपये से भी ज़्यादा का उनको ये रिचार्ज पैक पड़ता है। तो उसके बजाय भी आप 2999 रुपये का रिचार्ज कराएंगे तो आपको यहाँ पर 800 रुपये सेव हो जाएगा, जो महीने का आपके 60 रुपये से भी ज़्यादा आपको सेव करके देने वाला है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप अपने महीने के काफ़ी पैसे बचा सकते हैं अगर आप ईयरली रिचार्ज 2999 रुपीज़ का कराते हैं एयरटेल का। तो आई होप ये वीडियो देखने के बाद आप 2999 रुपये का रिचार्ज कराने वाले हैं, और इसके एक और प्लस बेनिफिट है कि आप एक बार अगर साल भर का रिचार्ज करा लेते हैं तो इसमें आपका फ़ायदा ये है कि अगर आगे कोई प्राइस इंक्रीज हो रहा है इन प्लान्स में, जैसे अगर आप 319 रुपये का प्लान अगर आपका 350 का हो गया है, या फिर 239 रुपये 209 का प्लान आपके 250 या फिर 240 ऐसे कुछ पहुंच गया, तो इन प्लान्स का आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला क्योंकि आपका एक बार में पूरे साल भर का रिचार्ज हो चुका रहेगा। तो इसलिए ये भी इस परस्पेक्टिव में काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। आई होप वीडियो आपको बहुत काम की लगी होगी, अपने फ्रेंड को भी शेयर करिए जो एयरटेल का सिम यूज़ करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और थैंक यू नीचे कमेंट में लिख देना। बाय बाय।